हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सुनील टेक पॉइंट। एसेंचर द्वारा 8 कोर्सेज आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, जिनकी सर्टिफिकेट एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट आपको दी जाएगी, जो कि ये कोर्सेस आपके लिए लाइफ चेंजिंग कोर्सेस हो सकते हैं, जो कि आप सभी लोगों को इन कोर्सेस में ज़रूर इनरोल करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सारे कोर्सेज के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो कि अप्लाई हेयर पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला कोर्स आप यहां पर देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का कोर्स है, जो कि डिजिटल स्किल्स एसेंचर द्वारा आपको ये कोर्स प्रोवाइड की गई है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का कोर्स फ्री में करना चाहते हैं और सर्टिफिकेट भी फ्री में लेना चाहते हैं, तो फ्यूचर लर्न के तरफ से आप लोगों को ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता क्या है, बिजनेस में किस तरीके से इसका यूज होते हैं, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनाए जाते हैं, और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पर बताया गया है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 वीक का है। अगर आप इसके दिए गए वीक से करते हैं तो आपको 3 वीक लग जाएंगे कंप्लीट करने। अदरवाइज़ ये कोर्स सेल्फ पेस्ड कोर्स है, यानी कि इस कोर्स को आप कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दी जाएगी, जो कि इंस्टेंट आप इसके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सभी कोर्स ऑनलाइन ही होने वाले हैं, यानी कि आप घर बैठे ये सारे कोर्सेस इनरोल कर सकते हैं और नॉलेज गैदर कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको बिजनेस से रिलेटेड बताया गया है कि AI का क्या यूज़ है एक बिजनेस में, उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और फैक्ट यहाँ पर जान सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको टॉपिक भी बताया गया है कि आर्टिफिशियल का क्या यूज़ है इंडस्ट्री में, क्या बेनिफिट होते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। साथ ही में CPD सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक वैलिड सर्टिफिकेट आप इन कोर्सेज को करके ले सकते हैं, जो कि आपके जॉब के लिए बेस्ट कोर्सेज हैं, जो कि आप यहाँ से फ्री में अचीव कर सकते हैं। साथ ही में आपको बताया गया है कि इस सर्टिफिकेट को आप अपने रिज्यूम में भी ऐड कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने सेकेंड कोर्स है रिटेल का, जो कि डिजिटल स्किल आपको यहाँ पर बताया गया है। अगर आप एक रिटेलर हैं तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि आप अपने शॉप को किस तरीके से ऑनलाइन ले जा सकते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कस्टमर का डेटा किस तरीके से कैलकुलेट करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है, जो कि मेनली एक शॉपकीपर को ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए। अगर आप अपने शॉप को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, एक रिटेलर हैं, तो आपको इन कोर्सेज में इनरोल करना चाहिए, जो कि 3 वीक का ये कोर्स होने वाला है, जो कि सेल्फ पेस्ड कोर्स है, यानी कि इस कोर्स को कभी भी कम्प्लीट कर सकते हैं। और कोर्स कम्प्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको CPD सर्टिफाइड की सर्टिफिकेट दी जाती है। इस कोर्स में आप यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कस्टमर डेटा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बताया गया है, आप अपने रिटेल को वर्ल्ड में किस तरीके से फैला सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर सिखाया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, जो कि डिजिटल स्किल्स सीख सकते हैं। उसके बाद थर्ड कोर्स हमारे सामने है डिजिटल स्किल का, जो कि मोबाइल का ये कोर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको सिखाया गया है मोबाइल डिज़ाइन किस तरीके से किए जाते हैं, डेवलपमेंट और उसकी क्रिएशन किस तरीके से किए जाते हैं, साथ ही में मोबाइल एक्सपीरियंस का डेटा किस तरीके से कलेक्ट करना है, मोबाइल से टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपको यहाँ पर सारी डिटेल बताई गई है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी होता क्या है। ये कोर्स 2 वीक का है और इसमें भी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी, जो कि CPD सर्टिफाइड की सर्टिफिकेट दी जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बताए गए हैं, जैसे कि वेबसाइट का ट्रैफिक किस तरीके से जनरेट करते हैं, किस तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोबाइल डिजाइनिंग का भी आपको यहाँ पर डिटेल बताया गया है, मोबाइल टेक्नोलॉजी का ग्रोथ कैसे हो रहा है और फ्यूचर में कैसे और भी ग्रोथ होने वाला है उसके बारे में बताया गया है। वेयरेबल टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको यहाँ पर डिटेल दी गई है, जो कि आप लोगों को मोबाइल के ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए, और यहाँ भी आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी, जो कि CPD सर्टिफिकेट दी जाएगी। उसके बाद हमारे सामने फोर्थ कोर्स है वेब एनालिटिक्स का, जो कि डिजिटल स्किल का ये कोर्स है, जहाँ पर आपको वेबसाइट एनालाइज करना सिखाया जाएगा, बिजनेस में क्या रोल है एक वेबसाइट का उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आजकल सभी बिजनेस ऑनलाइन जा रहे हैं, जिनके लिए उनके पास एक खुद का वेबसाइट भी होता है और वो अपने कस्टमर रिटेंशन को भी वेबसाइट के जरिए एनालाइज करते हैं। तो उसी तरीके से इस कोर्स में भी आपको वही सिखाया गया है कि आप अपने बिजनेस वेबसाइट को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं,
और अपने बिजनेस को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। साथ ही में आप इनके टॉपिक देख सकते हैं, आपको नए नए टेक्निक बताए गए हैं और भी नए नए चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाएंगी। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, जो कि आप फ्री में इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने फिफ्थ कोर्स है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। आप सभी लोगों को पता है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स दिन पर दिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और बहुत ज़्यादा डिमांडेड कोर्सेस हैं, क्योंकि सभी बिजनेस ऑनलाइन जाना चाहते हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन सेल कर हाई ग्रोथ करना चाहते हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहिए, जिसमें SEO क्या होता है, कीवर्ड क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया गया है। अगर आपके पास बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस को किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में ले जा सकते हैं और किस तरीके से आप अपने बिजनेस की एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, किस तरीके से करना है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल दिए गए हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनरोल कर पाएंगे। उसके बाद हमारे सामने सिक्स कोर्स है, जो कि डिजिटल स्किल्स फॉर वर्क एंड लाइफ का ये कोर्स है, जो कि एक मोटिवेशन कोर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस कोर्स में बताया गया है कि किस तरीके से डिजिटल के मदद से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं, किस तरीके से अपने प्रोफेशनल लाइफ इजी कर सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड के मदद से, और अपने सारे काम डिजिटल करने से आपका काम आसान हो जाएगा उसके बारे में इस कोर्स में बताया गया है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 2 वीक का है और इसका सर्टिफिकेट भी आपको CPD सर्टिफाइड की सर्टिफिकेट दी जाएगी। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताए गए हैं जो कि आपके लाइफ चेंज कर सकते हैं। आप इसके टॉपिक देख सकते हैं, डिजिटल के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, डे टू डे लाइफ आप किस तरीके से आसान कर सकते हैं, किस तरीके से अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से सारे काम आप आसानी से डिजिटल वर्कप्लेस के थ्रू ईजिली कर सकते हैं उसके बारे में इस कोर्स में बताया गया है। 7 नंबर कोर्स में सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताया गया है कि सोशल मीडिया क्या होता है। आजकल कई लोग सोशल मीडिया के जरिए फेमस हो रहे हैं और साथ ही में अर्निंग भी अच्छे कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सोशल मीडिया क्या होता है, किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस है तो आप बिजनेस को किस तरीके से सोशल मीडिया में ले जाकर अपने सेल को हाई इंक्रीज कर सकते हैं उसके बारे में इस कोर्स में बताया गया है, जो कि इस कोर्स की भी सर्टिफिकेट आपको CPD सर्टिफाइड की सर्टिफिकेट दी जाएगी, जिसे इंस्टेंटली आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इस कोर्स में सोशल मीडिया स्किल्स के बारे में बताया गया है, सोशल मीडिया किस तरीके से मैनेज करते हैं, सोशल मीडिया क्या होता है, सोशल मीडिया कितने प्रकार के हैं, उनके चैनल्स कौन कौन से हैं, किस तरीके से आप सोशल मीडिया के थ्रू सेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया लिसनिंग क्या होता है उसके बारे में बताए गए हैं। उसके बाद हमारे सामने लास्ट कोर्स है यूजर एक्सपीरियंस, जिसे UX कहा जाता है। UX का क्या इंपॉर्टेंट है, UX रिसर्च किस तरीके से करते हैं, UX डिज़ाइन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से कस्टमर डेटा एनालाइज करते हैं, किस तरीके से आपको UX देखना है करना है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये कोर्स है कि आप अपने कस्टमर के डिटेल जान पाएंगे, UX डिज़ाइन किस तरीके से किए गए हैं उनके बारे में आप समझेंगे, और डेटा एनालिटिक्स का क्या इंपॉर्टेंट है, टूल्स एंड टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो भी कोर्स में आपको इनरोल करना है, ज्वाइन नाउ पर आपको क्लिक करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप कोई भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, आप चाहें तो सारे कोर्स में इनरोल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।